Ne hi ein Mensch. सो गाइस, जैसा आप सबको टाइटल और थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो आयरन मैन के फैंस के लिए थोड़ी शॉकिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा हमारे टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन की डेथ के बारे में। वैसे तो आयरन मैन की डेथ के बारे में पिछले एक साल से रूमर्स आ रहे थे कि इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन मारा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और टोनी स्टार्क अभी हमें अगले साल आ रही एवेंजर्स 4 में दोबारा नजर आएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि टोनी स्टार्क हमें एवेंजर्स 4 के बाद फेज 4 में नजर नहीं आएंगे। ये बात रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक इंटरव्यू में खुद कही थी कि एवेंजर्स 4 के बाद वो एमसीयू का हिस्सा नहीं रहेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ जिससे इस बात की कन्फर्मेशन हो जाती है वो है स्पाइडरमैन होमकमिंग 2 का लीक्ड प्लॉट। स्पाइडरमैन होमकमिंग 2 एवेंजर्स 4 के बाद रिलीज होगी और इसकी स्टोरी एवेंजर्स 4 के बाद के इवेंट्स पे बेस्ड होगी। तो हाल ही में स्पाइडरमैन होमकमिंग 2 का प्लॉट लीक हुआ है, जिसके हिसाब से इस मूवी के स्टार्टिंग में ही पीटर पार्कर टोनी स्टार्क की डेथ के गम में होगा। अब इस लीक पे कुछ हद तक भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ये लीक रेडिट पे किया गया है, जहां इससे पहले इन्फिनिटी वॉर के रिलीज होने से पहले ही सोल स्टोन और हीरोज़ की डेथ के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स मिली थी। तो अब इस लीक को सही माने तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एवेंजर्स 4 में कुछ ऐसा होगा जिससे स्पाइडरमैन तो वापस आ जाएगा, लेकिन टोनी स्टार्क को खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और कुछ दिनों पहले एक और र्यूमर आ रही थी कि इन्फिनिटी वॉर के डायरेक्टर्स ने ये बात कही थी कि ओरिजिनल एवेंजर्स में से सिर्फ 2 ही फेज 4 के लिए सर्वाइव कर पाएंगे। वो 6 एवेंजर्स वही हैं जो इन्फिनिटी वॉर में जिंदा बच पाए, यानी कि कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ब्लैक विडो, थॉर, हॉकाई और हल्क में से सिर्फ 2 ही एवेंजर्स फेज 4 में नजर आएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली वो 4 कैरेक्टर्स जो एमसीयू से जा रहे हैं उनमें से एक आयरन मैन भी होगा। अब ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं और वो है टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन का एमसीयू को छोड़ जाना। और अगर आयरन मैन सच में एवेंजर्स 4 में मारा जाएगा तो ये एमसीयू में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा, जिससे एमसीयू की फ्यूचर मूवीज पे काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि एमसीयू की शुरुआत आयरन मैन ने ही की थी और उसका इस तरह एमसीयू को छोड़कर चले जाना फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लेकिन हर साल एमसीयू नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जा रहा है, तो एवेंजर्स की टीम में नए कैरेक्टर्स के लिए जगह बनाने के लिए आज नहीं तो कल पुराने कैरेक्टर्स को ख़त्म करना ही होगा। वैसे अभी इसकी कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है, तो अभी इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। सो गाइज, आपका क्या ख्याल है इस लीक प्लॉट के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ मुझे ये बताइए कि टोनी स्टार्क के जाने के बाद एमसीयू में उतना दम रहेगा या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब करें ऐसे और भी सुपर हीरो रिलेटेड कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस। मेरे सारे पैंतरे खिलौने भी, लेकिन एक चीज नहीं बदल सकते और वो ये कि मैं आयरन मैन हूं। Till I get up, time is barely on our side.